में वन विभाग के कर्मचारियों की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। यहाँ विरपुरकाल गांव के चिरौंजी लाल अहिरवार ने थाने में डिप्टी रेंजर समेत चार कर्मचारियों के खिलाफ 5-5 हज़ार रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वत लेकर जलाऊ लकड़ी से भरी बैलगाड़ी छोड़ने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि डीएनएन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थोड़ी ना सिखाएगा मुझे क्या करना है, बताएगा। हम जंगल आ गए, लकड़ी भर ली, लकड़ी भरने के बाद जब गाड़ी वहां से घेरी ना तो झा झा के और नाजा काम की ले गए रेंजर साहब तक अगर बात पता चल गई नहीं चल रही और अबे पांच का नहीं चल रही पता चल गई उनको। पूरी खबर पर अधिक बातचीत के लिए राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ है पूरा मामला? जी मानसी, बताना चाहूंगा उत्तर रेंज लटेरी का ये मामला है, जहां कर्मचारी वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की आड़ लेकर रिश्वत ले रहे हैं और जंगलों को साफ करवा रहे हैं। मामला बीरपुर कला गांव के निवासी बालमुकन का है, जहां पर उसके घर पर कोई कार्यक्रम था जिस पर उसे लकड़ी की जरूरत थी। इस पर उसने डिप्टी रेंजर के लिए 500 रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पर ये वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए और उसके बाद उनने कुछ रिश्वत की मांग की, जिस पर रिश्वत दे भी दी गई। जब वन विभाग के अधिकारी रेंजर साहब से बात की गई तो उनके द्वारा ये कहा गया मुझे जानकारी दी गई है वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो रिश्वत ली गई है उसको पीओ के उनका यही कहना था कि इसका पीओआर जारी कर दिया गया है। बिल्कुल राजेश, वही बात की जाए तो फिलहाल अधिकारियों का, पुलिस और प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जी मानसी, पुलिस ने इस विषय में अभी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, शिकायती आवेदन पहुंच गया है उनके पास, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का भी यही कहना है कि मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वन विभाग के अधिकारी जो है एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि मामला अभी अभी संज्ञान में आया है और इस को लेकर वो आगे की कार्रवाई करेंगे, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। लटेरी के उत्तर वन विभाग का ये मामला है, जहां 5-5 हज़ार रुपए की रिश्वत मांगी गई। डिप्टी रेंजर सहित चार कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप यहां पर लगा है। इसके साथ ही एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो के अंश हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर। बहरहाल डीएनएन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम जंगल आ गए, लकड़ी भर ली, लकड़ी भरने के बाद जब गाड़ी वहां से घेरी ना तो झा झा के और नाजा काम की ले गए और पूरी खबर पर अधिक बातचीत के लिए एचपी गुप्ता डीएफओ विदिशा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है एसपी जी आपका डीएनएन न्यूज पर। डिप्टी रेंजर सहित चार कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लटेरी में लगा है, क्या कुछ इस मामले में संज्ञान है आपको? फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है डीएफओ साहब से। ये मामला हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी रेंजर सहित चार कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, वीडियो वायरल हुआ है। थोड़ी ना सिखाएगा मुझे क्या करना है, बताएगा। हम जंगल आ गए, लकड़ी भर ली, लकड़ी भरने के बाद जब गाड़ी वहां से घेरी ना
झांक है और नागदार साहब की रेंजर साहब तक अगर बात पता चल गई नहीं चल रही हो रहा है पांच का नहीं चल रही पता चल गई उनको जितेन भैया आ रहे काय के लाने आए थे यहाँ पे भारत बाग में थोड़ी ना फिकाएगा मुझे क्या करना है बताएगा हम जंगल आ गए लकड़ी भर ली लकड़ी भरने के बाद जब गाड़ी वहां से घेरी ना तो झांक है और नागदार साहब की